जनपद फिरोजाबाद में आज भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों जैसे किसान आयोग के गठन, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और किसानों की लागत मूल्य को कम से कम 50% करने आदि मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आप जो किसान संगठन हैं जी, कोई कदम उठाएंगे? इतना आंदोलन होगा कि किसान और भारतीय किसानों के भानु के पदाधिकारी रोड जाम करने का काम करेंगे और ट्रेन जाम करने का काम करेंगे। संबंध में आपने ज्ञापन दिया है आज भारतीय किसानों के प्रति? आज ज्ञापन हमने नई दिल्ली राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन दिया है। मुख्य मांग ये है कि कृषि आयोग का गठन होना चाहिए और पूर्व की सरकारें 72 साल आज देश को आज़ाद होते हो गया पर लेकिन आज तक किसान आज़ाद नहीं है। तो सारे भारतीय किसानों भानु के पदाधिकारी और किसान ये मांग करते हैं कि कृषि आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए। यदि लागू नहीं किया गया तो किसान एक आत्महत्या करने पर कगार पर है। दूसरी बात कि सब किसी के आयोग बन चुके पर आज तक किसान आयोग नहीं बन पाया। आज किसान ने आलू के लेके प्रदर्शन किया है, एक पैकेट की कीमत 350 रुपये लगातार थी और बिक 250 में रहा है। तो हम ये पूछते हैं सरकार को, सरकार वादा करती है कि किसान की हम दुगुनी कर रहे हैं कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है कि सरकारों ने। इसलिए मांग ये है कि किसान के आलू की रेट कम से कम 800 रुपया कट्टा होना चाहिए और कुंटल 1600 रुपया कुंटल होना चाहिए। और बिजली के क्षेत्र में किसान को जब अंत प्रदेशों के आधार पर पंजाब हरियाणा के समझ रखते हुए वहाँ किसानों पर टेबल का बिल नहीं लिया जा रहा है, इसी बात उत्तर प्रदेश में बिजली किसानों के लिए फ्री की जाए और वो भी 24 घंटा होना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले की 5 विधानसभाओं में पंचायती चुनाव में भाजपा के टिकट पर जिला पंचायत सदस्यों के चयन को लेकर जिले के 5 विधानसभाओं के भाजपा विधायकों, पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक सितारगंज में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत सदस्यों को टिकट देने को लेकर आपस में राय मशवरा किया गया। पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की, अपना आवेदन किया है और मुझे पार्टी से उम्मीद है कि मुझे टिकट की मैंने दावेदारी की है तो पार्टी मुझे टिकट देगी और अगर पार्टी किसी और के साथ भी जाती है तो मैं पार्टी के जो भी फैसला हुआ उसके साथ प्रोसेस है कि सबकी राय लेके भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो भी चुनाव में जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा सबकी राय लेने के बाद बनाया जाएगा। दावेदार काफ़ी आपके सामने आए हैं और पार्टी अपना लोगों से बात कर रही है, मंडल अध्यक्षों से बात कर रही है, विधायकों से बात कर रही है, प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात कर रही है और सबकी राय लेने के बाद जिसपे सहमति बनेगी उसको समर्पित कैंडिडेट बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और ये बहुत अच्छी पहल भी है क्योंकि किसी की नाराज़गी नहीं होगी कि हमारे से बात नहीं करी गई, हमसे पूछा नहीं। राय दे रहे हैं पार्टी के हित में, जो भी हमको सही लग रहा है हम उसके लिए राय देंगे और उम्मीद करते हैं कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर से प्रचार है। मेरठ में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की संपत्ति को हथियाने के लिए उनको उन्हीं के घर में कैद करके रखा हुआ है। मामला ब्रह्मपुरी थाना इलाके के शिव शक्ति नगर का है, जहां नरेश कुमार नाम के एक बुजुर्ग बेहद दयनीय स्थिति में अपने ही घर के अंधेरे कमरे में कैद है। नरेश कुमार को उनकी बेटी मीनाक्षी ने अपने लालची भाई की कैद से निकालने की कोशिश की लेकिन भाई ने हाथापाई करके उसे घर से भगा दिया। आरोपी बेटा घर को बंद करके फरार है और पिता घर के कमरे में कैद है। सर ये जानना चाहेंगे, एक मामला आया ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र के शिव शक्ति नगर का जिसमें एक बेटे ने अपने पिताजी को कमरे में बंद कर दिया, तो उसमें सर अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या? उसमें बेटे की काउंसलिंग की गई थी, उनको समझाया गया था कल, आज फिर बताया गया है कि उन्होंने बंद कर रखा है। तो किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ें चल रही हैं और उसको पक्षों को बुलाया गया है समझने क्या मैटर है। अगर वो बीमार हैं मानसिक रूप से तो चिकित्सालय में इलाज कराया जाए, लेकिन मानवता के विरुद्ध जाके उनके साथ यदि व्यवहार हो रहा है तो विधि रूप में जो भी है अपना कार्रवाई कर लिया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे को, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है तो जब पक्ष आ जाएंगे फिर इनसे वार्ता हो जाएगी, फिर पूरा डिटेल निकल के आ सकेगा, फिर आप पूछेंगे तो मैं बता सकूँगा।
आज जनपद फिरोजाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष अजीम भाई के नेतृत्व में दबराई पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और फिरोजाबाद की जम समस्याओं को लेकर अजीम भाई और विधायक हरिओम यादव छोटू यादव के नेतृत्व में बिजली की बढ़ी हुई दरों और किसानों की फसल का समर्थन मूल्य ज़्यादा देने, प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की फसलों का आवारों पशुओं से हो रहा नुकसान आदि समस्याओं को लेकर प्रदेश व्यापी धरना दिया। समाजवादी पार्टी श्री शिवपाल यादव जी के आह्वान पूरे प्रदेश हर दिवसीय अन्याय के लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ये रहेंगे। महामारी राज्यपाल प्रदर्शित हो रहा है, ये भीड़ बता रही है। आज ये पहला आंदोलन है, वाहन चला है उसको पार्टी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। लोगों में आप जानते हैं आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। जिस तरह से पुलिस व्यवहार कर रही है आम जनता के साथ, नागरिकों के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, ये निंदनीय है। बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो समाजवादी मांग है कि नौजवानों को रोजगार मिले और जब तक सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो उनको बेरोजगारी पत्ता दे। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को खाद बीज बिजली पानी सस्ता और फ्री में मिलना चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। जिनके नाम पर जो भीड़ हत्याएं कर रही है तो मोम लिंचिंग पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। ये सब मांगों को लेकर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष शून्य हो गया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बसपा बोल रही है समाजवादी पार्टी को संघर्ष की पार्टी होगा करती थी, आज वो ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो संघर्ष करना जानते हैं। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वो जनता की सत्ता के खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। समस्या को लेकर के आज सरकार सत्ता की मशीन शुरू हो रही है और ये लोग सो रही है, इसकी नींद टूटे, ये जागे और जनता के लिए फैसले करें।